प्रतापगढ़ उदयपुर थाना के शिमरा निवासी किशोर हत्याकांड का पुलिस ने घटना के पांचवें दिन खुलासा करने में सफलता ली है। पुलिस के मुताबिक किशोर की हत्या छीटाकसी को लेकर प्रतिशोध के चलते हुई थी। वहीं उदयपुर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त बाइक तथा चाकू भी बरामद करते हुए दो आरोपियों को जेल भेज दिया है। मृतक के पिता की तहरीर पर एक नामजद तथा दो अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। घटना के दूसरे दिन से ही पुलिस कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर हत्याकांड का क्लू तलाश रही है। घटना के दिन अजय गुप्ता को पकड़ा तो वह चिल्लाने लगा। इस पर दोनों ने मिलकर उसका मुंह दबा लिया और उसे अपनी बाइक पर बैठाकर पूरे भगवत गांव के पास से एक ट्यूबवेल के समीप ले गया। यहां दोनों ने मिलकर चाकू से हमला कर अजय को मौत की नींद सुला दी। उदयपुर पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को जेल भेज दिया है। 13/6/2024 को रात्रि 8 बजे कुंभी आईमा से लाई चना बेचकर सेवरा निवासी अजय गुप्ता आ रहा था कि तिवारीपुर मोड़ के पास में एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति जबरदस्ती इसको मोटरसाइकिल पर बैठा लिए। जब ये चिल्लाने लगा तो उसका मुंह दबा दिए और ले जा पूरे भगवतपुर रामसुख के ट्यूबवेल के पास में ले जाकर धारदार हथियार से गला देकर इसकी हत्या कर दी, जिसके संबंध में थाना उदयपुर में मृतक के पिता के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 106/24 धारा 364-300 IPC का पंजीकृत किया गया था। इस निशंस हत्या के संबंध में पुलिस अधीक्षक मदर द्वारा व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी मदर द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक 17/6/2024 को नसीराबाद की तरफ से आ रहे अभियुक्त विशाल सरोज व उनका भांजा दिलीप सरोज दोनों को नसीरपुर के पास स्वतंत्रता सेनानी इंटर कॉलेज के पास से गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व जिस चाकू से उसकी हत्या की थी चाकू तथा मृतक का मोबाइल भी बरामद किया गया तथा